राजपूत 10 भी होंगे हजारों लाखों पे भारी होंगे। क्षत्रियों के सम्मान का रैली है, ये स्वाभिमान का रैली है क्षत्रियों का। अगर वो इतिहास उठा के देख ले, इतिहास के पन्ना में ठाकुरों का ही नाम है। ठाकुर का कुआं था ना तो 20 रुपए पानी नहीं बिकता था, सब लोग फ्री में पानी पीते थे। आज ठाकुर का कुआं जो है सरकार अपने जिम्मे ले ली है और आज पानी 20 रुपए लीटर बेच रही है। और शेर की संख्या नहीं देखी जाती है, हम लोग जहाँ है मजबूत पदवे पे हैं और हम लोग जितनी संख्या हम लोग की है 3.3% वो 97 पे भारी है। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों आज बिहार की राजधानी पटना में क्षत्रिय सम्मान रैली निकाली गई और बाहुबली क्षत्रिय जो बिहार के क्षत्रिय हैं वो बहुत ही बाहुबली माने जाते हैं, उनके द्वारा मनोज झा को ललकारा भी गया कि कहाँ गया तू, वो तो छुप गया घर में, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा ठाकुर वहाँ पटना में उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो अपने घर की बिल से बाहर नहीं निकला। ये बिहार किसके नाम से जाना जाता है, ये बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। जब सभी लोग अंग्रेजों के टट्टे चूस रहे थे तो वहाँ पर बिहार में बाबू कुंवर सिंह, हिमाचल में वजीर राम सिंह पठानिया और फिर चाहे वो पंजाब में राय अहमद खरल, उत्तर प्रदेश में ठाकुर रोशन सिंह जैसे मेरठ क्रांति में 90% राजपूत थे जो कि 1857 क्रांति का युद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेजों की जहाँ तो राजपूतों से लड़ाई होती थी, बगावत हो जाती थी, और जहाँ फिर अंग्रेजों ने राजपूतों से सिंधी की हुई थी और आपसी पार्टनरशिप थी बराबर की, लेकिन जो उनकी गुलामियाँ करते थे, जो उनको दूध सप्लाई करते थे, जे उनके टट्टे चूसते थे और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं आबादी का अनुपात ये होना चाहिए। फिर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में 35% से ज़्यादा आबादी राजपूतों की है तो फिर उसको राजपूत लैंड बना दो। और बिहार में अभी जनसंख्या वो बनाया गया है, वहाँ पर 3.5% राजपूतों की बताई गई है, वहीं 2011 में लगभग 6% थी। 3.5% मतलब 45-50 लाख वहाँ पर बिहार में क्षत्रिय हैं। अगर 3.5% हैं जो 34 सांसद, ऐसे 40 हैं, 6 सीटें रिजर्व हैं, 34 सांसद बचे, 34 में से 7 राजपूत कैसे हैं, 20% से ज़्यादा क्षत्रिय कैसे हैं, क्योंकि ये बाहुबली क्षत्रिय हैं, इनकी वादी भी लगभग 8-10% तो है ही, लेकिन तुम हमसे टकरा नहीं सकते। आजकल सभी जात देखकर वोट डालते हैं, लेकिन बिहार के 7 लोकसभा सीट तो ठाकुरों ने जीत ली है। किसी की इतनी किस कोई भी सांसद हीरों के 5 हैं, बिहारों का 1-2 है, इसके अलावा कुर्मी वगैरह बहुत पीछे हैं, सिर्फ क्षत्रिय सबसे ज़्यादा हैं 7।
सात इस 3.5% आबादी वाले सिर्फ बिहार में, बाकी जगह तो हमारी ज़्यादा है। 3.5% आबादी वाले ठाकुर हमेशा 350 बरबारी रहेंगे। एक ठाकुर जब चलता है तो वो 100 बरबारी होकर चलता है। और ये बिहार की धरती हमेशा वीर कुंवर सिंह की धरती रहेगी। और जहाँ पर क्षत्रिय समाज ने एक बड़ी रैली निकाली और जो प्रभुनाथ सिंह जी हैं उनको जो अंदर किया हुआ है उनकी रिहाई की मांग की गई, जैसे महाराजा नंगपाल तोमर के वंशज जो आनंद मोहन सिंह जी को रिहाई करवाई गई थी, ऐसे ही इसके अलावा वहाँ पर मिहिर बोझ, राजा सुहेल देव बैंस और बहुत सारों की जयंती भी मनाई गई। जब पहली बार हुआ कि मिहिर बोझ को बिहार की सड़कों पर भी लहराया गया, जहाँ पर इतिहास चोर लोग मिलते ही नहीं। अभी किसी ने बोला कि हमारे वयोवृद्ध नेता प्रभुनाथ सिंह जी को जेल में डाल दिया गया है तो हमारी ताकत है कि नहीं निकालने की? अपनी ताकत है कि नहीं निकालने की? आज से 3-4 साल पहले ये बहुत बड़ी मीटिंग है, पर एक छोटी सी मीटिंग में हमने 2-3 मीटिंगों में आह्वान किया था कि आनंद मोहन सिंह छूटेंगे और जेल के तने टूटेंगे। टूटेंगे टूटे तो प्रभुनाथ सिंह जी के जेल के तने टूटेंगे नहीं टूटेंगे? अगर कहीं प्रभुनाथ सिंह जी सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि आनंद मोहन सिंह जी भी सुन रहे थे मुझे मालूम है, और वो भी सुन रहे होंगे जेल के अंदर से, आपके लाखों भाई अगर ये सरकारें नहीं छोड़ेगी तो एक दिन मार्च करेंगे आपके उस जेल की तरफ और टालों को उठाओ उखाड़ के फेंक नीचे होगा। धरती बांध नहीं हुई है मेरे भाई युवराज सुधीर सिंह जी जैसे आज भी यहाँ युवा है तो यहाँ की धरती को गर्म कर सकते सुधीर भाई जब आवाज लगाएंगे एकता की मिसाल जगाएंगे आओगे कि नहीं आओगे? अगर मैं बोलूं अगले साल मुझे आप लोग हाथ ऊपर खड़ा करके अगर समर्थन दे कि हम लोग